बचपन से ही मुझे जादू बहुत पसंद था। मुझे लगता था कि जादू है तो सब कुछ मुमकिन है, और यही हुआ। मेरे जैसी एक छोटे से गांव की लड़की बस YouTube पर हरियाणवी गानों का तड़का लगा के आज एक ऐसी ही जादुई जिंदगी जी रही है। हाय, मैं हूँ रेणुका पवार, और आज मैं जो कुछ भी हूँ YouTube और हरियाणा के प्यार की वजह से हूँ। मैं रहने वाली खेकड़ा की हूँ। जब मैं पैदा हुई तो पापा की महीने की तनख्वाह सिर्फ 900 रुपए थी, तो फिर बहुत दिक्कतें आती थी। बचपन से सिंगिंग का बहुत शौक था मुझे। हमारे मोहल्ले में हरियाणवी गाने बहुत चलते थे और वो मुझे मस्त लगते थे। मेरा सपना था कि बड़े होकर मैं सिंगर बनूंगी, लेकिन कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि हमारे गांव से कभी किसी ने सोचा ही नहीं उस लाइन में जाने के लिए। रेणुका के बारे में आई न्यू हर बिफोर इवन कमिंग हियर, मतलब मुझे पता था कि वेरी फेमस एंड वेरी टैलेंटेड सिंगर, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि रेणुका यहीं बागपत की रहने वाली है। तो इट वाज तो यूट्यूब से देखती थी, पूरी दुनिया थी वो। मैंने जो भी सीखा सब यूट्यूब से ही सीखा। हल्की हल्की थोड़ी हिम्मत बढ़ी और फिर मैंने भाई को बताया कि मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट। भाई ने कहा चलो ट्राई करते हैं। हम म्यूजिक डायरेक्टरों से मिलने लगे। कोई गाने कराने तैयार नहीं होता था, बट उस टाइम पे भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, बस तुझे हार नहीं माननी है। काफी स्ट्रगल के बाद फाइनली मुझे हरियाणवी गाने गाने का मौका मिला। मैंने पहली बार अंदर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखा। मैंने कहा ये कहाँ लेके आ गए हैं, पर ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट मौका था। उठारी उच्चे से हवेली मारा घर टपके होमने रेणा तेरे दिल। ठीक है, यहाँ से दोबारा करते हैं। और हिम्मत जुटा के मैंने रिकॉर्डिंग की। जब लोगों को पता चला कि एक नई हरियाणवी सिंगर आई है तो सब गाने कराने लगे, बट पेमेंट देने के लिए कोई तैयार नहीं था। जो मेन हमारी लाइफ चेंज हुई है वो 52 गज के बाद, जब मुझे पहली बार पता चला कि वो यूट्यूब पर लॉन्च होने वाला है, तो एकदम जैसे ऐसे होती है लाइफ, ऐसे चेंज हो गई। 52 गज का दमन पैर दुनिया भर से इतने सारे व्यूज, मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में व्यूज मिले। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक हरियाणवी गाने को इतना प्यार मिल रहा था। लोग जानने लगे उस चीज से। लोग जब बाहर से आते हैं किसी भी प्रोग्राम्स में, जब भी हमारी ऐसी कोई सोशल गैदरिंग्स होती हैं, कहीं से भी आते हैं, व्हेनेवर रेणुका कम्स वी फील वेरी प्राउड के टू टेल दैट ओके शी इज रेणुका एंड शी बिलोंग टू बागपत। मेरे साथ कोलैब करने के लिए फोन आने लगे। हमारी फाइनेंशियली जो दिक्कतें थी वो दूर होने लगी धीरे धीरे। बहुत गर्व होता है मम्मी पापा को, बस मेरे सर पे हाथ फेर कर बोलती है कि मेरी बेटी ने मतलब मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। अपने जनपद का नाम रोशन करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, अपने जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस जगह को एक पहचान देना। रेणुका की जर्नी से अगर ये बात किसी के मन में आ जाए कि वेन शी कैन अचीव इट वाई कांट आई, मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी जर्नी को देखकर, इस बात से सहमत होकर हमारी बहुत सारी बेटियाँ, हमारी बहुत सारी बहनें अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगी, और जो उन्होंने सोचा है जीवन में प्राप्त करने के लिए, बी एट एनी फील्ड, बी इट सिंगर, बी इट एक्टिंग, बी इट डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज, वो उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगी। बट अब मेरा ड्रीम अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करना है, आगे भी आउट ऑफ कंट्री भी शो हो और सब अच्छे से जाने। और ये रेणुका से अच्छा कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता, जो हमारे जितनी भी जो इस समय यंग गर्ल्स हैं उनको ये दिखाने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि अगर आपके सच्चे सपने हों और अगर आप अपने सपनों के प्रति दृढ़ शक्ति रखते हों, अगर आप उन पर डिटरमाइंड हैं, तो यू कैन अचीव एनीथिंग, एंड रेणुका इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। आपके सपनों में आप अपनी हिम्मत रखो, जज्बा रखो कुछ कर दिखाने का, और फिर देखिए जादू।